हेलो गाइस, मैं अभिषेक शर्मा आपका स्वागत करता हूँ टेक्निकल क्लासेस में। और आज हम बात कर रहे हैं कि फोर व्हीलर की प्रॉब्लम की, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पर्पज से। अगर आपने मेरा फोर व्हीलर के लिए डेरिवेशन नहीं दिया कि इनर व्हील पे क्या रिएक्शंस निकलते हैं, आउटर व्हील पे क्या रिएक्शंस निकलते हैं, तो प्लीज आप पहले वो वीडियो जाके देखिए, क्योंकि अगर आपको वो चीजें समझ में नहीं आएंगी तो आप यहाँ पे डेरिवेशन नहीं कर सकते सही तरीके से। तो गाइस, पहले आप वो वीडियो देखें जाके, फिर उसके बाद यहाँ पे ये वाली वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि अगर आपको वो चीजें समझ में आ जाएंगी अच्छी तरीके से, तो यहाँ पे ये जो मैं चीजें करूंगा आपके सामने वो आपको समझ में आ जाएंगी इजीली। तो गाइस, देखते रहिए टेक्निकल क्लासेस मेरे साथ। तो मैं प्रॉब्लम स्टार्ट करता हूँ कि ए फोर व्हीलर ट्रॉली कार हैज अ टोटल मास ऑफ 3000 kg ईच एक्सल, और इसके बाद यहाँ फुल स्टॉप। फिर ईच एक्सल विथ इट्स द टू व्हील्स एंड गियर हैज द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द 32 kg m². पहले पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पर टू व्हीलर के लिए, मतलब दो व्हील के लिए यहाँ पे क्या दिया है आपको, दो व्हीलर के लिए आपको दिया है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मतलब कि अगर मैं बात करूँ कि दो व्हील के लिए इतना दिया है, तो चार के लिए कितना होगा, इसमें टू का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पॉइंट टू बी नोटेड, ये चीज आपको समझने की है कि यहाँ पे जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया है वो कितने के लिए दिया है, टू व्हील के लिए दिया है। ईच व्हील ऑफ 450 mm रेडियस, मतलब उसकी रेडियस कितनी दी आपकी, 450 mm रेडियस दिया। द सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स ऑन द एक्सल इज 1.4 m, मतलब कि जो एक्सल के बीच की डिस्टेंस दी है वो 1.4 दी है। ईच एक्सल इज ड्रिवन बाय मोटर विद अ स्पीड रेशियो 1:3, मतलब कि जो आपको गियर रेशियो दिया है वो कितना दिया आपको, थ्री, कितना दिया है आपको यहाँ पे, थ्री दिया है गियर रेशियो। उसके बाद ईच मोटर अलॉन्ग विद द इट्स गियर हैज द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया, मतलब अब यहाँ पे जो मोटर है या फिर आपकी जो इंजन है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया वो कितना दिया आपका, 16 दिया है। कितना दिया आपका, 16 kg m², एंड द रोटेशन इन द अपोजिट डायरेक्शन, मतलब अपोजिट डायरेक्शन घूम रहे, तो अब आपको याद होगा प्लस माइनस लिया था, अब यहाँ पे क्या कंसिडर करना पड़ेगा, माइनस डायरेक्शन टू द एक्सल। द सेंटर डिस्टेंस ऑफ द कार इज 1 m ऑफ द रेल, मतलब कि जो एच दी है वो कितनी दी है आपको, एच की वैल्यू वो दी है आपको 1 m अबव ऑफ द रेल। कैलकुलेट द लिमिटिंग स्पीड ऑफ द कार व्हेन इट्स हैज टू ट्रेवल अराउंड द कर्व ऑफ द 250 mm, 250 m, मतलब कि जो रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया वो 250 m दिया, विदाउट द व्हील लीविंग द रेल, मतलब अब की जो आपकी जब टर्न कर रही है उस टाइम पे उसका कर्वेचर कितना होना चाहिए, 250 m होना चाहिए। और यहाँ पे आपसे पूछा है कि आपकी वी की वैल्यू कितनी होगी, मतलब वी इज द स्पीड ऑफ द व्हीकल। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं गिवन डेटा लिख लेता हूँ बहुत अच्छे तरीके से, और आपको समझ में भी आना चाहिए, क्योंकि गिवन डेटा नहीं लिखोगे तो आपको नहीं समझ में आएगा। दैट इज गिवन डेटा। तो गिवन डेटा की बात करते हैं, सबसे पहले मैं व्हील से ही स्टार्ट करता हूँ कि दो व्हील के लिए आपको जो चीज गिवन दिया वो कितना दिया है। तो दो व्हील के लिए आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना दिया है, 32। तो एक व्हील के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा आपका, 32 / 2 इज 16 kg m². इसके बाद आपको ये चीज पता पड़ती, उसके बाद आपको क्या है, मास गिवन दिया है, मास कितना दिया है आपका, 3000 kg मास दिया है। उसके बाद आपको क्या दिया है, रेडियस। तो रेडियस ऑफ व्हील कितनी दी है आपको, 450 mm, कितनी दी है, 450 mm, इट मीन 0.45 m, ये आपको क्या दिया है, रेडियस ऑफ व्हील दिया है। इसके बाद सेंटर डिस्टेंस, मतलब सेंटर डिस्टेंस में एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं, तो कितनी दी है आपको, 1.4 m, कितनी दी है, 1.4 m। तो यहाँ पे मैंने सेंटर डिस्टेंस रिप्रेजेंट कर ली। उसके बाद आपको पता है कि सेंटर डिस्टेंस कहाँ तक हो गई आपकी, यहाँ तक आ गई। उसके बाद ये गियर रेशियो, तो गियर रेशियो कितना दिया है आपको, 1:3, मतलब कि वो वेलोसिटी रेशियो, तो अपन यहाँ पे क्या कर सकते हैं उसको, 3, क्योंकि मैंने बताया था आपको वहाँ पे। प्लीज ध्यान से वीडियो जाके देखिए पहले, अगर आपको न्यूमेरिकल नहीं समझ में आ रहा है। उसके बाद आपको क्या दिया है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द इंजन या फिर मोटर कितना दिया है आपको, 16 kg m². कंफ्यूज मत होना, दोनों अलग अलग चीज है, 16। और ये आपका अपोजिट डायरेक्शन रोटेट कर रहा है, ये किस में रोटेट कर रहा है आपका, अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है, तो ये वाली बात आपको समझनी है। और इसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं, ये दे दिए यहाँ पे, उसके बाद सेंटर डिस्टेंस, यहाँ पे सेंटर सेंटर ऑफ द मास ऑफ द ग्रेविटी, मतलब कि जो आपकी एच कितनी दी है, एबव कितना है आपका, 1 m एबव दिया है, ये एच आ गया यहाँ पे। उसके बाद क्या उसने क्या दिया, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो कैपिटल आर के लिए कितनी है, 250 m। तो गाइज, आपको ये डेटा गिवन दिया है पूरा का पूरा। तो सबसे पहले मैं आगे चलते हुए आपके सामने बात कर लेता हूँ इसकी, कि
आपके टोटल यहाँ पे कितना वेट लग रहा होगा ईच एक्सेल पे, तो मैं बता देता हूँ कि मास ऑन ईच व्हील कितना लग रहा होगा, W/4 कितना लग रहा होगा, W/4। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको W की वैल्यू निकालनी, तो ना M×G/4, तो M×G का मतलब 3000×9.81/4। तो कितनी वैल्यू आएगी देख लीजिए, फटाफट से देख लेते हैं। 3000×9.81/4 तो कितना है आपके पास, 7.5। और ये किस में होगा, न्यूटन में होगा, ये किस में होगा आपका, न्यूटन में होगा। यहाँ से एक चीज निकल के आ गई। उसके बाद आपको पता है पी और क्यू की वैल्यू निकालते हैं, तो पी और क्यू की वैल्यू निकालने से पहले मेरे को क्या निकालना है, वहां पे जायरोस्कोपिक कपल निकालना है। तो जायरोस्कोपिक कपल की वैल्यू कितनी होती थी कि मेरे पास फोर व्हीलर के लिए पहले जायरोस्कोपिक कपल होना चाहिए था, फिर इंजन के लिए होना चाहिए, और उसमें सब्ट्रैक्ट होगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। तो पहले मैं व्हील के लिए निकाल लेता हूँ कि कपल कपल ऑन व्हील, तो कपल ऑन व्हील कितना होगा आपका, कि मेरे पास चार व्हील है, 4i ओमेगा, और आपका ओमेगा ऑफ दी किसका, व्हील का, इंटू ओमेगा पी। ये मेरे पास व्हील का निकल के आया, तो 4×I ओमेगा, इसको क्या लिख सकता हूं मैं, V/RW, V/RW हो जाजाएगा, और V/रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये वाली बात समझ में आ गई होगी आपको आराम से। उसके बाद आगे बढ़ लेते हैं कि आपको सारी चीजें पता है कि 4×, इसकी वैल्यू कितनी थी, 16 दी है। V की वैल्यू मुझे गिवन नहीं दी, तो V का स्क्वायर लिख लिया मैंने। R की वैल्यू आपको पता है कि 0.45 दी है, और कैपिटल R की वैल्यू कितनी दी है आपके पास, 250 दी है। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकल के आई देख लेते हैं, 4×16/0.45×250, तो कितना निकल गया आपके पास, 0.568888। तो क्या लिख सकता हूँ, 0.569V², तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लेता हूँ। ये आपका कपल किस पे निकला, व्हील पे। अब किस पे निकाल लेते हैं, इंजन पे, कपल ऑन इंजन। तो कपल और इंजन के लिए कितना होगा आपका, इंजन तो आपका कितना दिया है, सबसे पहले देखिए ध्यान से देखना है कि यहाँ पे उसने बोला क्या था इंजन के बारे में। तो इंजन की बात कर लेते हैं, यहाँ पे आ जाते हैं कि ये गया, मोटर अलोंग विद इट्स गियर हैज अ मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ 16 kg/m² एंड रोटेट्स इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द एक्सल, और कुछ और तो नहीं दिया, ईच एक्सल रेशियो इतना दिया है, अलोंग विद एक्शन इतना दिया है, बाकी चीजें नहीं दी है। तो देख लेते हैं, तो इंजन की बात करते हैं, तो क्या होगा आपका, सबसे पहले आई मोटर, ओमेगा मोटर और ओमेगा पी, ये मेरे पास इंजन के लिए निकल के आया। किसके लिए निकल के आया, इंजन के लिए निकल के आया, और क्योंकि उसने क्या दिया है कि उसने ईच एक्सल पे मोटर दिया, तो यहाँ पे कितनी मोटर है मेरे पास, 2 मोटर है, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 4 व्हील थे, यहाँ पे 2 मोटर है, तो 2 मोटर का मल्टीप्लाई कर दिया। इसके बाद देखिए 2×I मोटर की वैल्यू कितनी दी है मेरे पास, 16 दी है। अब देखिए ओमेगा मोटर दिया है यहाँ पे, तो आपको पता है कि गियर रेशियो, जो गियर रेशियो की बात करते हैं, तो उसमें क्या था, ओमेगा मोटर ओवर ओमेगा व्हील, तो ओमेगा मोटर इज इक्वल कितना निकल के आएगा आपका, गियर रेशियो इंटू ओमेगा व्हील। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसके G×ω V×ωp, तो यहाँ से क्या निकलेगा आपका, 2×16×3×V/RW×V/R। तो यहाँ से क्या निकलेगा, 2×16×3×V² / 0.45 इसकी वैल्यू कितनी आपके पास, 250। तो यहाँ से कितनी वैल्यू निकलेगी गाइस, बहुत ध्यान से देखना है, मल्टीप्लाई करने हैं, 2×16×3/0.45×250, तो कितना निकला मेरे पास, 0.8533V², कितना निकला, 0.8533V², क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकालना है, टोटल टोटल जायरोस्कोपिक कपल। टोटल जायरोस्कोपिक कपल क्या होगा आपका, जो व्हील का जायरोस्कोपिक कपल है और इसका जायरोस्कोपिक कपल है, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसको मेरे को क्या लेना पड़ेगा, नेगेटिव लेना पड़ेगा। तो कितना आएगा, 0.569V² माइनस के 0.853V², तो कितना निकल के आएगा आपका, मैं लिख लेता हूँ, 0.569 माइनस के आंसर कितना आया, माइनस के 0.2843V², दैट्स इक्वेशन नंबर 2।
टू कितना निकला आपका, इक्वेशन नंबर टू। तो यहाँ से आपको चीज आइडेंटिफाई हुई कि यहाँ से आपका क्या निकला, जायरोस्कोपिक कपल आ चुका है। क्या निकल के आया आपका, जायरोस्कोपिक कपल। तो शायद आपको याद हो वहां पर कि मैंने आपको कुछ बताया था कि जायरोस्कोपिक कपल किससे रिप्रेजेंट किया मैंने, सी जी से। वो जायरोस्कोपिक कपल मेरा किसके बराबर होता था आपका, कि जो मेरी रिएक्शन होती थी, रिएक्शन कितनी थी मेरी वहां पे, रिएक्शन होती थी और उसके बीच की डिस्टेंस थी उसका मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। क्या कर रहे होते थे, मल्टीप्लाई कर रहे होते थे। तो यहाँ पे जो जायरोस्कोपिक कपल निकल के आता है उसकी, जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करके बता देता हूँ कैसे लिया था मैंने वहां पे, कि ये पीछे की डायरेक्शन में आ रहा था, ये आगे की डायरेक्शन में आ रहा था, ये पी होता था, ये पी होता था, और ये बीच की डिस्टेंस कितनी होती थी मेरी, एक्स होती थी। क्या होती थी, एक्स होती थी। तो यहाँ से क्या निकल रहा था मेरा, पी इंटू एक्स निकल के आता था। क्या निकल के आता था, पी इंटू एक्स। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी निकल के आएगी मेरी, सी जी ओवर एक्स, कितनी निकल के आएगी मेरी, सी जी ओवर एक्स। और मुझे रिएक्शन कितनी निकालनी होती थी, क्योंकि जो इनर व्हील के लिए इक्वेशन थी वो कितनी होती, डब्ल्यू बाई फोर माइनस के पी बाई टू माइनस के क्यू बाई टू। तो पी बाई टू की वैल्यू चाहिए, तो रिएक्शन कितनी आएगी यहाँ पे, कि पी बाई टू इज इक्वल सी जी ओवर टू एक्स। तो सी जी की वैल्यू कितनी मेरे पास, माइनस के 0.284 v² ओवर 2 इंटू, और जो आपकी x की वैल्यू थी वो कितनी है, x की वैल्यू कितनी है गाइस, 1.4 मीटर। तो 1.4 मीटर का मल्टीप्लाई कर दिया, दैट्स 1.4 मीटर। तो यहाँ से पी वाई टू की वैल्यू कितनी निकल के आई देख लीजिए, के सॉरी थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है, 0.284 / 2 × 1.4। तो कितनी निकल के आई मेरे पास, 0.1014 v², वो भी कैसे, माइनस के है। तो देखो क्योंकि यहाँ पे माइनस आपका जायरोस्कोपिक कपल की वजह से रहा था, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो इक्वेशन है वो आपकी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि नेगेटिव साइन था। यहाँ पे पी वाई टू की वैल्यू कितनी आई मेरी, 0.1014 v². अब उसके बाद मैं देख लेता हूँ सेंट्रीफ्यूगल कपल, तो सेंट्रीफ्यूगल कपल की वैल्यू कितनी होती है, सी इज इक्वल mb² / r × h। तो m की वैल्यू आपको 3000 दी है, v की वैल्यू मेरे को पता नहीं है, r की वैल्यू मेरे को कितना दी है, 250 दी है, और h आपको बन दिया। तो कितनी निकली ऐसे वैल्यू, 3000 / 250 कितनी निकली, 12। तो 12 v², तो यहाँ से 12 v² आ गई। तो यहाँ से रिएक्शन निकाल लेते हैं, तो रिएक्शन कितनी निकलेगी आपकी, सी जी इज इक्वल क्यू इंटू एक्स। तो यहाँ से क्यू बाई टू की वैल्यू कितनी आएगी, क्यू बाई टू इज इक्वल सी जी इंटू 2/x। तो सी जी की वैल्यू 12 v² / 2 × 1.4। देख लीजिए यहाँ से के 12/2 × 1.4 कितना निकला मेरे, यहाँ से 4.286, मतलब 7557 को 6 लिख लिया v², क्योंकि देखिए ये आपका पॉजिटिव आया है, क्योंकि नेगेटिव तो ये कैसे है मेरा डाउनवर्ड में, ये कैसे है मेरा डाउनवर्ड में। और आपकी एक व्हील वाली रिएक्शन भी निकली थी, वो मैंने कहाँ लिख दी, डब्ल्यू वाला, क्योंकि ये भी पॉजिटिव था, ये कैसे है मेरा अपवर्ड होगा। और ये मेरा कैसा निकला है अभी आपके सामने, पॉजिटिव निकला है, कैसे निकला है आपका पॉजिटिव निकला है। तो ये कैसा होगा मेरा, ये भी मेरा कैसा आएगा, अपवर्ड आएगा। तो इसके बाद आपकी इतनी चीजें क्लियर हो जाएंगी कि अब आपको इनर व्हील और आउटर व्हील पे रिएक्शन निकालनी है। क्या निकालनी है आपको, इनर व्हील और आउटर व्हील पे रिएक्शंस फाइंड आउट करना है। तो इनर व्हील और आउटर व्हील की रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको बहुत मतलब सिंपली सिंपल वे से देखना पड़ेगा कि आपको पता करने के लिए कि इनर व्हील और आउटर व्हील की रिएक्शन अगर आपको नहीं आइडेंटिफाई होती, तो आपको मैंने पहले ही बोला कि आप मेरा डेरिवेशन जाके देखिए। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि रिएक्शन ऑन आउटर व्हील, रिएक्शन ऑन आउटर व्हील। तो रिएक्शन ऑन आउटर व्हील क्या था आपका, के w/4 + k p/2 + k q/2। क्योंकि यहाँ पे आपको होता है कि पी वाई टू की डायरेक्शन चेंज हो चुकी है, तो पी वाई टू की डायरेक्शन चेंज हुई है उसकी वजह से यहाँ पे क्या होगा, कुछ सब्ट्रैक्शन आ जाएगी इसकी डायरेक्शन में। तो कितना होगा आपका, डब्ल्यू बाई फोर की वैल्यू पहले लिख लेता हूँ, डब्ल्यू बाई फोर की वैल्यू कितनी है आपके पास, 7357.5। तो लिख रहा मैंने 7357.5 माइनस इसके डाउनवर्ड डायरेक्शन की वजह से 0.1014
1.14 V² ये PY2 की वैल्यू आ गई, QY2 की कितनी है प्लस के 4.286 V² तो यहाँ से मैं इसका वैल्यू निकाल लेता हूँ कितना आएगा 73 सॉरी इन दोनों का 4.286 माइनस के 0.1014 कितना निकल के आया 7357.5 माइनस माइनस होगा प्लस होगा प्लस होगा प्लस के 4.1846 V² तो गाइस आपके पास यहाँ से ये वैल्यू आ गई कितना आ गई आपके पास 7357.5 प्लस के 4.1846। इसके बाद क्वेश्चन में एक चीज गिवन दी थी आपको कि कैलकुलेट द लिमिटिंग स्पीड, क्या है आपका लिमिटिंग स्पीड के केस में क्या होता है कि जो आपकी रिएक्शंस होती है उसको मैक्सिमम कंडीशन की तरह पुट करता है, क्या करते हैं मैक्सिमम स्पीड की कंडीशन में पुट करते हैं। तो ये जो इक्वेशन दी है आपको उसको किसके ऊपर इक्वल इक्वेट करते हैं, उसको जीरो के इक्वेट करते हैं। तो फॉर लिखते हैं कि फॉर लिमिटिंग लिमिटिंग स्पीड के लिए क्या होगा के 7357.5 प्लस के 4.1846 V² इज इक्वल जीरो। तो देखिए ये वाली चीज इधर जाएगी तो कितना आएगा, देखिए 7357.5 डिवाइडेड बाय ये वाली जो वैल्यू उसका डिवाइड दे दिया और उसका क्या निकालना है मुझे रूट निकालना है, कितना आएगा आपका 41 V इज इक्वल 41.93 m/s। अभी देखो बहुत सारे डाउट आ रहे होंगे कैंडिडेट्स के कि सर ये उधर जाएगा तो माइनस में आएगा और माइनस में मैं रूट लूंगा तो आयोटा के टर्म्स में आएगा, कि जो माइनस साइन बता रहा है वो सिर्फ उसका ये बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ कपल की वजह से उसके अंदर जो रिएक्शन ऑफ फोर्सेस है वो किस डायरेक्शन में है, वो उसकी स्पीड को नहीं बता रहा है। यहाँ पे आप देखो ध्यान से कि जो आपकी ये चीज आ रही है वो किस में आ रही है, आपके फोर्स के टर्म्स में आ रही है। तो जो फोर्स की टर्म्स में वो आपके सिर्फ क्या बता रहा है कि यहाँ पर रिएक्शन ऑफ फोर्सेस आपके कितने हैं, तो आंसर आपका ये आ रहा है। जब आप इसका मतलब जब आप इसका सेकंड टर्म मतलब जो आप इसकी इनर व्हील पे जब आप इक्वेशंस निकाल रहे होगे तो उस वाले केस में क्या होगा कि W/4 माइनस के P/2 माइनस के Q/2। तो उस वाले केस में क्या होता है कि माइनस वाले केस में दोनों वाली कंडीशन में डाउनवर्ड वाले फोर्स कंसिडर कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑलरेडी ये वाली चीज डाउनवर्ड में तो ये माइनस में ही रहेगी और इसको अपन को डाउनवर्ड में कंसिडर ही करना पड़ता है, तो उसको अपन को डाउनवर्ड में ही लेना है। तो आपकी जो वैल्यू निकल के आएगी वो माइनस में आएगी, मैं कर देता हूँ देखिए पीछे कर लेता हूँ इसके और चीज सेम सेम आएगी। तो लिख लीजिए रिएक्शन रिएक्शन ऑन इनर व्हील, तो रिएक्शन ऑन इनर व्हील कितना होगा आपका W/4 माइनस के P/2 माइनस के Q/2। ठीक है अब देखिए ध्यान से देखिएगा कि W/4 की वैल्यू कितनी है आपके पास, देखिए मैं लिख लेता हूँ दोबारा 7357.5 माइनस आपका प्लस हो जाएगा और इसकी वैल्यू कितनी है 0.1014 V², और क्यू की वैल्यू कितनी है माइनस के कितनी है 4.286 V². अब देखिए जो चीज पहले प्लस में आ रही थी वो अब सिर्फ माइनस में आ गई है, 5357.5 माइनस के कितना है आपका जो सब्ट्रैक्ट होके आया था वो आया था 4.186 नहीं है 46 है V² फॉर लिमिटिंग स्पीड, लिमिटिंग स्पीड के लिए क्या होगा आपका ये जीरो कर देंगे तो 7357.5 माइनस के 4.1846 V² इज इक्वल जीरो, तो 4.1846 V² इज इक्वल 7357.5 तो V² की वैल्यू कुछ आएगी तो V की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे 41.93 m/s। तो गाइज ये वही है कि आपको किसी भी रिएक्शन से आप फाइंड कर सकते हो आइडेंटिफाई कर सकते हो, पर आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रही है सारी चीजें पर आपको देखिए मैंने जैसे प्रोसीजर किया है इसका पूरी प्रॉब्लम का, तो आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए। अगर आपने डेरिवेशन नहीं देखा अच्छी तरीके से तो आप ये प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं कर सकते, जिंदगी में नहीं कर सकते, पर आपको समझना पड़ेगा अच्छी तरीके से कि मैंने यहाँ पे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ईच व्हील के लिए दिया था तो सिंगल के लिए निकाला, फिर उसके बाद मैंने कपल निकाला व्हील के लिए, फिर मोटर के लिए दो दिए थे ईच एक्सल पे, एक मोटर दी थी दो के लिए आपके दो आ गए। तो उसी तरीके से आपको समझते हो कि डायरेक्शन अपोजिट लिए क्या करना है वो करना है, उसी तरीके से समझना पड़ेगा गाइस। तो सिंपल है प्रॉब्लम, आपको समझ में आना चाहिए, अच्छी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और टेक्निकल क्लासेस के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू।